गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट विक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का मार्केट क्लोज हो चुका है। आप लोगों के लिए अनदर वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ विद टॉप थ्री स्टॉक के साथ। हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं, काफी अच्छे लेवल पर मैंने उनको सेलेक्ट किया है कि किस लेवल पर बुलिश रहेंगे और किस लेवल पर बेयरिश रहेंगे। तो हर एक स्टॉक को आपको डीपली और सिंपल लैंग्वेज में एनालाइज करके बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट के क्लब को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर मैं आपको जो है मार्केट टाइमिंग में नए नए स्टॉक के लेवल देते रहता हूँ। बाई चांस क्या होता है, कोई स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मैं फिर से उसके लेवल्स को अपडेट करके देता हूँ। तो चलिए देखते हैं ट्यूजडे को जो मैंने स्टॉक दिया था, अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम एंड बजाज फाइनेंस। तो इन तीन स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्म किया है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आज जो है गैप अप ओपन रहा है और मैंने जो इसको जो है फिर से अपडेट करके दे दिया था, और इसने जो बाइंग साइड जो प्रॉफिट बनाया दोस्तों, नियर अबाउट जो है हाई जो क्रिएट किया इसने 3298, नियर अबाउट इसने जो है 50+ पॉइंट का जो है प्रॉफिट देकर गया दोस्तों। मैंने इसको जो आपको दिया था 3253 से आपको बाय करना था, और इसने जो हाई बनाया 3298, नियर अबाउट इसने जो है 40+ पॉइंट का जो है प्रॉफिट देकर गया है बाइंग साइड। और मैंने इसको सेल के लिए दिया था वीडियो में कल ही कि 3168 से आपको सेल करना था, और इसने जो लो बनाया 3122, नियर अबाउट इसने जो है 30+ पॉइंट का जो है प्रॉफिट देकर गया है सेल साइड भी। तो दोस्तों, ये होता है पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप भी इस पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा टेलीग्राम मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक जो मैंने दिया था दोस्तों, वो दिया था ग्रासिम। ग्रासिम को जो है मैंने आपको बाय के लिए दिया था 604 से आपको इसको बाय करना था, और इसने जो हाई बनाया 607, बाइंग साइड में इसने जो 3 पॉइंट का जो प्रॉफिट देकर गया है, और इसको मैंने आपको सेल के लिए दिया था 593, और इसने जो लो बनाया 586, नियर अबाउट जो इसने सेल साइड भी जो है 7 पॉइंट का जो है प्रॉफिट देकर गया है दोस्तों। छोटा स्टॉक है, इसमें 2 से 3 पॉइंट का सफिशियंट है। तीसरा जो स्टॉक मैंने दिया था दोस्तों, वो दिया था मैंने अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल को आपको बाय के लिए दिया था 1450 से इसको बाय करना था, और इसने जो हाई बनाया 1469, नियर अबाउट जो इसने बाइंग साइड में 19 पॉइंट्स का जो है प्रॉफिट देकर गया है। तो ये बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में रहा और जो है जबरदस्त परफॉर्म किया है बाइंग साइड में। तो दोस्तों, ये थे थ्री स्टॉक जो ट्यूजडे को आपको ट्रेड करना था। होप आपने अच्छे से ट्रेड किया होगा और प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि वेडनेसडे के 16 जुलाई यानी वेडनेसडे के लिए जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए, कौन कौन से स्टॉक है जिसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो सबसे पहले जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों, वो है एसीसी। एसीसी को आपको बाय करना है 1302 पर टारगेट रहेगा, 1305, 1308, 1312। अगर ये डाउन साइड जाता है तो आपको सेल करना है 1285 पर टारगेट रहेगा, 1282, 1279, 1278। सेकंड जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया दोस्तों, वो है सीमेंट। जबरदस्त स्टॉक है दोस्तों, जब भी परफॉर्म करता है बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। तो इसको आपको बाय करना है 1166 पर टारगेट रहेगा, 1170, 1173, 1175। अगर डाउन साइड जाता है तो आपको इसको सेल करना है 1155 पर टारगेट रहेगा, 1152, 1150, 1147। तीसरा जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों, छोटा स्टॉक जरूर है लुपिंग, लेकिन जब भी परफॉर्म करता है 5 to 10 पॉइंट्स दे जाता है। तो सबसे पहले इसको आपको बाय करना है 646 पर टारगेट रहेगा, 640 या 650। अगर ये डाउन साइड जाता है तो आपको इसको सेल करना है 636 पर टारगेट रहेगा, 634, 632, 630। तो दोस्तों, ये थे टॉप थ्री स्टॉक कल वेडनेसडे के लिए जिसको अपने वॉचलिस्ट में ऐड करना है। होप कि आप अच्छे से जो है ट्रेड कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू।